hello Vacho, let's see the question use of an artificial kidney during hemodialysis may result in option a nitrogenous waste is build up in the body option b non elimination of excess potassium ions option c reduced absorption of calcium ions from gastrointestinal tract and option d reduced rbc production which of the following option is the most appropriate option a a and b are correct ऑप्शन बी बी एंड सी आर करेक्ट एंड ऑप्शन सी सी एंड डी आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी ए एंड डी आर करेक्ट देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है ड्यूरिंग हिमोडायलिसिस तो इससे क्या रिजल्ट होगा तो देखो आर्टिफिशियली किडनी जब यूज की जाती है तो हमें पता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी जो भी मेटाबॉलिज्म जो भी सब्सटेंसेस होती हैं ठीक है ठीके? जैसे कि जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होती है उसका एक्सक्रीशन करने के लिए जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज द किडनी अगर किडनी नॉन फंक्शनल हो गई है तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियली किडनी यूज होगी ठीक है इस प्रोसेस को क्या

अगर ए ऑप्शन इनकरेक्ट है तो देखो ए और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि इन दोनों में क्या गिवन है ए ऑप्शन बी में लिखा है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन तो देखो अगर पोटेशियम आयन एक्सेस में हो रहे हैं तो उसका एलिमिनेशन भी होगा ठीक है बाय आर्टिफिशियल किडनी तो ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन सी में लिखा है रिड्यूस एब्जॉर्ब ऑफ कैल्शियम आयंस तो देखो फोस्फेट जो आयंस होती हैं फोस्फोएट जो आयंस है उनका रिमूव करती है आर्टिफिशियल किडनी तो इन फोस्फोएट आयन के साथ ही क्या होता है कि कैल्शियम आयंस का भी एलिमिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जीआईटी में कैल्शियम आयंस का एब्जॉर्प्शन रिड्यूज हो जाएगा तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे ठीक है ऑप्शन डी में लिखा है रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन देखो किडनी सेक्रेट करती है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी अब किडनी क्या हो रही है नॉन फंक्शनल हो रही है तो इस कंडीशन में आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा उतना तो इससे आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूज हो जाएगा तो सीओ डी दोनों यहाँ पे करेक्ट है दैट्स वाई Our correct answer is option C in which both C and D are given. So C is the correct answer. Best of luck!